फोन में कस्टमर केयर डायल करते हैं। 1 2 1। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बनाएंगे मोबाइल कॉल इनकमिंग डिटेक्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारे पुराने फ़ोन होते थे वो बड़े डेंजरस होते थे, तो उनके पास रेंज बहुत होती थी। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन हमारा साथ में पड़ा होता है तो वो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, हर्ट को डिस्टर्ब करता है। तो जो उसकी वेव्स होती हैं, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, जैसे हर्ट बीट बनती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बनती है। तो इलेक्ट्रिकल वेव्स हमारी बॉडी जो है जनरेट करती है, और जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हवा में ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसीज कर रही होती हैं, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हमारी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं हमारी फंक्शनिंग को और ख़राब करती हैं। तो फिर हमें हार्ट अटैक आता है, कभी किसी को ब्रेन हेमरेज होती है। तो ये मोबाइल कॉल इनकमिंग डिटेक्टर है, इससे पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल की जो रेडिएशन है कितनी स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग आपका जो मोबाइल है वो काम करता है। तो आओ बनाते हैं इस टॉपिक को। सो जिन्होंने भी अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने अलग अलग तरह की किट्स इंस्टॉल की हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो किट में सामान आया है क्या वो कंप्लीट है। ये किट बहुत अच्छी किट है, आप इसको एज अ स्कूल प्रोजेक्ट बना सकते हो, जस्ट ऑनलाइन परचेज करो अमेज़ॉन पे, और साथ के साथ जो है आप घर पे बैठ के बनाओ अपना प्रोजेक्ट, ना कहीं जाने की टेंशन, ना सामान खरीदने की पूरी किट आपको मिलेगी। साथ में एक पीसी भी मिलेगी जिसके ऊपर आपको सारा सोल्डर करना है, सोल्डर करो और बस प्रोजेक्ट रेडी, खेल ख़त्म। हमारे पास आईसी है, दो आईसीज लगेंगे इसके अंदर। ये आईसी बेस होता है, ये आईसी होता है, तो ये ध्यान रखना है कि आईसी बेस पहले लगना है, आईसी बाद में लगना है। ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस है, और ये एलईडी जो कि हमें बताएगी कि सिग्नल आया नहीं है, और ये बजर बीप कर करके बताएगा कि हाँ साउंड आ रही है, इट मीन्स के फ्रिक्वेंसी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले देखेंगे इस पीसीबी के बारे में। जो इसकी शीट होती है साथ में मिलती है, उसके अंदर ही सारा डिफाइंड होता है कि जो R1 R6 R5 जो भी इसके रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर है, आईसी है, वो कौन सा है और किस नंबर पे लगना है। तो वो जो शीट है वो साथ में इंक्लूडेड होगी प्रोजेक्ट किट के साथ ही। आईसी बेस को लगाते टाइम ये ध्यान रखना कि आईसी बेस की जो पोजीशन है, जो ये कट दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। दूसरा आईसी बेस भी इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसमें से आपको जो आईसी है वो बाहर निकाल देना है लाइक दिस, और आईसी को साइड पे रख लेना है। और सोल्डरिंग के लिए फिर हमें चाहिए सोल्डरिंग आयरन, गर्म होना चाहिए, चेक कर लेना है फ्यूम्स बन रहे हैं, और साथ में चाहिए हमें एक सोल्डरिंग वायर को सीधा करना है, सोल्डरिंग आयरन पे लगा के चेक करना है कि ये धुआं निकल रहा है, और फिर जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देना है। तो रिमूव हुआ जो है जल्दी ठंडा हो जाता है, इसको हाथ लगा सकते हो, जल्दी ठंडा हो जाता है, डेंजरस नहीं होता है। इसको पेन की तरह पकड़ना है, लास्ट वीडियोस में मैंने जैसे बताया आपको। तो आपको अभी इसको सोल्डर करना है, मेक श्योर कि इसमें से जब धुआं निकले तो वो आपकी आंखों को ना आए, उसको हल्की हल्की फूंक मारते रहना सो दैट के वो धुआं जो है दूसरी तरफ को निकले। और ये सोल्डर हो गया, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। सोल्डरिंग बहुत ज़बरदस्त काम है, बड़ा मज़ेदार काम है, इन्जॉय करोगे आप सोल्डरिंग करते हुए। तो ये हमारा रेडी हो गया, अब हम इसमें लगाएंगे पेपर कैपेसिटर। इसमें हर पेपर कैपेसिटर के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा पेपर कैपेसिटर कहाँ पे लगाना है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 22, तो 22 वाला जो है ये पीको फैरड में होते हैं, तो 22 पीको फैरड का ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो इसकी ब्रीड्स हैं वो बाहर रखनी है, अंदर नहीं जानी चाहिए ज़्यादा अंदर, क्योंकि जो इसकी ब्रीड्स हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कैच करेंगी। ब्रीड्स माने इसकी जो ये लेग्स हैं, जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं, तो इनको बाहर रखना है। सेम वैल्यू 22 22 यहाँ पे चाहिए हमें, जितना बाहर रख सकते हो उतना रखना है, हल्का सा सोल्डर करना है, और इसको सोल्डर साथ के साथ करते रहना है। ये हमारे पास 0.22 0.22 और 22 में डिफरेंस है, ये आपने देखना है।
0.22 जो है हमारा यहाँ पे लगेगा। ये ट्रांजिस्टर हमारे पास BC547 NPN ट्रांजिस्टर है, जिसको आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लिखा Q1, Q1 में आपको इसको इंसर्ट करना है। और ये ध्यान रहे कि जिस तरफ ये फेस इसका इस तरफ होना चाहिए, ऊपर से कुछ इस तरह से दिखेगा। ये लिखा है D1, D फॉर डायोड और LED इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। और ये ध्यान रखना है कि नीचे से आ रहा हमारे पास नेगेटिव है, तो नीचे से अगर नेगेटिव आएगा तो LED का ये वाला पॉइंट जो है नेगेटिव होगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो LED का ये पॉइंट देख रहा है, जो बड़ा वाला फ्लैग है वो नेगेटिव का होता है, जो छोटा वाला फ्लैग है वो पॉजिटिव का होता है। तो बड़ा वाला फ्लैग नीचे, छोटा वाला ऊपर। ये खास ध्यान रखना है कि आपकी हर चीज़ जो है बिल्कुल सही लगी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से लगी होनी चाहिए। 100 UF लगेगा हमारा यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में। ये ध्यान रखना है कि ऊपर पॉजिटिव आए नीचे नेगेटिव आए, तो नेगेटिव का ये ब्लैक वाली लाइन होती है। अब ये लगाना है 4.7 UF यहाँ पे, ऊपर से पॉजिटिव नीचे से नेगेटिव। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आप कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसका अगर ध्यान रखना, इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, नॉन पोलर होते हैं, कोई पोलैरिटी नहीं होती। ये वाला लगेगा यहाँ पे, ये 104 है, वो 103 है। यहाँ पे लगेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होने पे। अब बचा है 104 एक और, जो कि लगेगा यहाँ पे C7, ये 2.2 M है। उसके बाद यहाँ से यहाँ लगेगा हमारे पास 2.2 M अगेन। बचा 15 के, वो लगेगा यहाँ पे। अब आया फाइनल टच, जब हमें लगाने हैं तो बज़र लगाएंगे। बज़र की वायर्स को पहले टिन कर लेंगे, टिन करना होता है वायर के ऊपर, ये जो टिन और लेड का सोल्डरिंग वायर होता है इसको उसके ऊपर कोट कर देना। तो हमने इसको कोट कर दिया इसके ऊपर, इसको बोलते हैं टिनिंग। टिनिंग के बाद स्पीकर लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव का खास ध्यान रखना। अब आई वोल्टेज प्रोवाइडर, तो वी पॉजिटिव यानी रेड वायर और नेगेटिव यानी ब्लैक वायर। पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना, छोटी सी गलती आपका IC को ख़त्म कर देगी। IC खराब हो गया तो आपका जो सर्किट है वो नहीं चलेगा। अब इंसर्ट करते हैं IC का कट ध्यान रखना है, इसका कट जो होता है उस कट के हिसाब से, इस कट के साथ मैच करना है आपको। बिल्कुल सीधा लगना चाहिए IC और प्रॉपर इंसर्ट होना चाहिए। सारी पिंस इधर वाली इधर वाली सारी पिंस इसके अंदर इंसर्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये वाला IC भी सेम, सारे का सारा इसके अंदर ऐसे इंसर्ट होना चाहिए। और अब लास्ट में लगाएंगे इसके ऊपर एंटीना। यहाँ पे वायर किट के अंदर ही होती है, पर फिर भी अगर आपको कुछ लेंथ कम ज़्यादा करनी है जब वायर काटते समय छोटी हो गई तो कोई इशू नहीं है, कोई भी वायर चलेगी यहाँ पे एज एन एंटीना। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग। ये ध्यान रखना कि 3130 यहाँ पे लगाना है और 555 यहाँ पे लगाना है। IC इधर उधर लग गए तो IC काम नहीं करेंगे। ये मैंने बताया था, ये रेंज रिसीव करता है।
मेरी बॉडी के बॉडी में से पास हो रही हैं रेंजेस वो दिखा रहा है। अभी लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन, तो इस मोबाइल फ़ोन में कस्टमर केयर डायल करते हैं 121। ये डिटेक्ट कर रहा है कि कॉल जो है आपकी जा रही है, ये फ़ोन काटा, काटने पर भी ये आपको बताएगा कि ये फ़ोन है जो कटा है। हमारे पास चलती रोबोटिक सर्च कर लो। कस्टमर के जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज पास हो रही हैं इधर उधर, तो वो सब हमें डिटेक्ट हो रही हैं। तो जो छोटे फ़ोन होते हैं उसमें ज़्यादा डिटेक्ट होते हैं, जो बड़े फ़ोन होते हैं स्मार्टफोन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें जो रेंजेस हैं वो कम होती हैं, कम डिस्टर्ब करती हैं। इसको छोटे फ़ोन के साथ भी ट्राई करके देखना है, बहुत पावरफुल है और बहुत यूज़फुल है। आप इसको एज अ मोबाइल फ़ोन डिटेक्टर भी बना सकते हो, एग्ज़ाम्स की चेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्स में मोबाइल फ़ोन ना लेकर आया हो बच्चा, तो उसके लिए उसकी टेस्टिंग के लिए आप ये ले सकते हो और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी रेडियो एक्टिव एरिया है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मेडिकल में इसकी बहुत हेल्प होगी। सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो जो भी नई वीडियो होगी मेरी आएगी, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। बहुत ही आसान है बनाना, जस्ट इंसर्ट करो और सोल्डर करो, दैट्स इट, किट इज़ रेडी। तो जो किट रेडी हो गई उसके बाद इसको यूज़ करो, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी कॉम्पिटिशन में लेके जाना है, कुछ सबमिट करना है, कुछ भी करना है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।